आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर वोकेब साहिल मित्तल आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम 18 नवंबर 2020 इंग्लिश सीजीएल टीयर टू जो मेंस की परीक्षा हुई है उसका वन बाय वन सॉल्यूशन देखेंगे। और इस प्रश्न के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज जो आ रही है वो है क्लोज टेस्ट। उम्मीद करता हूँ क्लोज टेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से। और आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है। जब भी कभी क्लोज टेस्ट आए तो सबसे पहले उसका पहला क्वेश्चन करने के साथ साथ उसी शीट पर जो बात होती है उस सारी की सारी बातें पढ़ भी लिया करो, ताकि अगली बार जब पढ़ो अगले क्वेश्चन पे तो आपको उनके टेंटेटिव ऑप्शंस और टेंटेटिव आंसर्स वो पता होने चाहिए। जेब्रेला मॉन्टेज वॉज कंफर्टेबली कर्ल्ड अप इन एन ओवर स्टफ्ड चेयर इन द सिटिंग एरिया। एक जेब्रेला मॉन्टेज नाम की जो पर्सन है वो लड़की है, शी है, तो ये कंफर्टेबली कर्ल्ड अप इन द ओवर स्टफ्ड चेयर इन द सिटिंग एरिया। सिटिंग एरिया में ओवर स्टफ्ड चेयर थी, उस पर कर्ल अप बिल्कुल टेढ़े मेढ़े होकर बैठी है आराम से आनंददायक तरीके से। शी वॉज डैश द पीस एंड क्वाइट एट होम। शी वॉज रिलैक्सिंग द पीस, शी वॉज लिविंग द पीस, शी वॉज कामिंग द पीस और शी वॉज इंजॉइंग द पीस में से क्या आएगा। सो यहाँ पर शी वॉज रिलैक्सिंग बोलना तो ठीक है, बट अगर पीस लगा दिया तो वो अपनी सुकून को, चैन को और शांति को एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आंसर कामिंग, लिविंग या रिलैक्सिंग ना आएगा, इंजॉइंग हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप भी साथ साथ जवाब देते जाइए। एंड क्वाइट एट होम, और अपने घर पर वो शांत भी थी और अपने पीस को एंजॉय कर रही थी। एवरीवन एल्स वाज वंस एट द पार्टी, बिफोर एट द पार्टी, ऑलरेडी एट द पार्टी या अर्लियर एट द पार्टी। बाकी सारे के सारे जो लोग थे उसके अलावा वो पार्टी में गए हुए थे, वो पार्टी में पहले ही जा चुके थे। तो वंस या बिफोर का इस्तेमाल नहीं, वो पहले से जा चुके थे, ऑलरेडी शब्द का इस्तेमाल होगा। सो क्वेश्चन नंबर टू के लिए जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। एंड हैड टोटली लॉस्ट डैश इन अ बुक, और वो बुक में अपने आप को पूरी तरीके से खो चुकी थी। अगर बुक में अपने आप को पूरी तरीके से खो चुकी थी तो सब्जेक्ट आपके पास कौन काम कर रहा है, शी, और अपने आप को, तो इसका रिफ्लेक्सिव एक्शन जो बनेगा वो बनेगा हर सेल्फ। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर चार के लिए। इन अ बुक विच वॉज द बेस्ट शी हैड डैश रेड, विच हैड इवन रेड, एवर रेड, नेवर रेड या ऑलवेज रेड। ऐसी चीजों के लिए हमेशा आपके पास क्या लगता है, जो भी चीजें उसने जब कभी भी पढ़ी थी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए या प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए जब भी कोई जो भी चीज आपने पहली बार की हो उस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आपके पास एवर एडवर्ब का इस्तेमाल होता है, तो यहां पर एवर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर चार का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांच। एंड शी कुडंट वेट टू गेट गेट टू गेट इन गेट अप या गेट ऑन द एंड। तो वो इंतजार नहीं कर पा रही थी, शी कुडंट वेट टू गेट, वो उसको खत्म करने का इंतजार नहीं कर पा रही थी, मतलब वो फटाफट उसको फिनिश करने की प्रोपेंसिटी या टेंडेंसी में थी, और इसके लिए गेट टू द एंड का इस्तेमाल होता है। अगर आप इन द एंड की बात करोगे तो इन द एंड एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है एट लास्ट, या इसका मतलब होता है फाइनली या अल्टीमेटली के लिए यूज होता है। तो ये अल्टीमेटली के सेंस में इस्तेमाल नहीं हो रही, गेट टू द एंड के सेंस में इस्तेमाल हो रही है। तो गेट के साथ टू का इस्तेमाल होगा, रेडिली फिनिश करने के लिए इसको यूज किया जाता है। हाउएवर बिफोर शी सेट हर आईज, हाउएवर बिफोर शी सेट हर आईज डैश द नेक्स्ट पेज, उसने अपनी निगाह जो अगले पेज पर रखी, तो आईज को साथ साथ रखा अगले पेज के, अपॉन, बिलो या अबव, तो किसी पन्ने के ऊपर हमारी निगाह जाती है, तो यहां पर आपका आंसर ऑन या अपॉन आएगा, तो अपॉन ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द बुक वॉज डैश राइट आउट
of her hands. So the book was lifted, raised, boosted या climbed में से क्या राइट आंसर आएगा? तो before she set her eyes, पहले उससे पहले कि वो अपने अगले पेज के ऊपर निगाह डालती, the book was dashed right off her hand, उसके हाथ में से उठा ली गई, उसकी हाथ में से उठा ली गई, यानी कोई ना कोई थर्ड पर्सन आ गया, उसके और किताब के बीच में कोई और आ गया, और यहाँ पर एकदम से कहानी के अंदर इंक्लूजन हो रहा है उसकी मदर का, तो उसकी मदर ने उस किताब को रेज बूस्ट या क्लाइम किया होगा, या चीजों को नीचे से ऊपर उठाना एकदम से, इसको बोलते लिफ्ट। और क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी तो द बुक वॉज लिफ्टेड, और वॉज लिफ्टेड है पैसिव वॉइस है, इसका मतलब ये काम किसी और के द्वारा किया गया है, तभी हमें आइडिया भी लग गया वॉइस से कि यहां पर किसी थर्ड पर्सन की भी एंट्री हुई है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट हर मदर स्टैंडिंग ओवर हर, और वो तो बेचारी बिल्कुल कुर्सी पे बैठी थी, कर्ल अप कर ली थी कंफर्टेबली, कर्ल अप है ना, ओवर स्टफ्ड चेयर, बिल्कुल गुदगुदी चेयर के ऊपर बैठी थी, उसके ऊपर उसकी मदर दिखाई दी और उसकी किताब यूं उठाई। गैबी, इट्स न्यू ईयर्स ईव, गैबी, गैबी ज़िब्रेला का निक नेम बोला, गैबी ये नए साल की शाम है, शी सेड, उसने कहा, डैश रीडिंग, वंडर्ड रीडिंग, स्टेयर्ड रीडिंग, नोटिस्ड रीडिंग या वॉच्ड रीडिंग में से क्या आएगा? तो इसका मतलब उसने घूर कर देखा, स्टेयर्ड रीडिंग, और तुम पढ़ाई कर रही हो, तुम बुक पढ़ रही हो, ऐसा क्या कर रही हो? तो वंडर चौंक के या नोटिस या वॉच नहीं है, क्योंकि किताब को उठाने का ही मतलब ये हुआ कि वो उसको घूर कर देख रही है, स्टेयर्ड रीडिंग। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 की पहले बात, तो एट हर मदर, शी डैश हर मदर, जैसे ही उसके हाथ से किताब छीनी तो उसने अपने मदर को घूर कर देखा, और स्टेयर के साथ आपको पता है प्रपोजिशन एट का इस्तेमाल होता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो स्टेयर्ड एट हर मदर, उसने अपनी मम्मी को घूर कर देखा, स्टैंडिंग ओवर हर, गैबी इट्स न्यू ईयर्स ईव, गैबी ये नए साल की शाम है, शी सेड, और शी सेड इनफ रीडिंग, अबंडेंट रीडिंग, सफिशियंट रीडिंग या एडिक्वेट रीडिंग, तो उसने कहा ये पढ़ाई लिखाई बहुत हुई, तो बहुत होने को इंग्लिश में इंटरजेक्शन के तौर पे बोलते इनफ, और एक इंटरजेक्शन होता है जिसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं, बर्दाश्त की भी हद होती है, उसको बोलते हैं इनफ इज इनफ, क्या बोलते हैं? इनफ इज इनफ बोलते हैं, और यहां पर इनफ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। So enough reading, she snapped at her daughter. उसने अपनी डॉटर की तरफ स्नैप किया, देखा, but mom, I'm almost done. बस मेरा होने ही वाला है। Zebrella, prohibited, protested, prevented या prescribed में से क्या आएगा? तो Zebrella ने बात को माना या नहीं माना? उसने कहा बस होने ही वाला है, इसका मतलब मैं अभी आपकी बात नहीं मान रही, मैं इस पूरे पूरे पार्ट को लिखने की कोशिश या पढ़ने की कोशिश करूंगी। तो उसने अपनी मम्मी का प्रोहिबिट मना किया, प्रिवेंट रोका, प्रिस्क्राइब कोई सलाह दी, या उनको प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट का मतलब आंदोलन नहीं किया कि नहीं, बस उसने कहा कि मम्मी ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, आई एम ऑलमोस्ट डन, मैं बस पूरा करने ही वाली हूँ। ऑलमोस्ट डन का मतलब पूरा नहीं हुआ है, लगभग पूरा हो गया, बस पूरा होने ही वाला है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां तक की बात सभी को समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ, मैं चाहूंगा कि आप भी बराबर इनके सवालों के जवाब मुझे देते रहें। सबसे पहले अगले कॉम्प्रिहेंशन पे बढ़ रहे हैं, 10 क्वेश्चन का है, मतलब 11 से 20 तक की बात है। लेट अस रीड द पैराफ्रेज बिफोर अस, इस पैराफ्रेज को देखने की कोशिश करते हैं आखिर क्या लिखा है। द वर्ड डाइट इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ डेवलपिंग ईटिंग डैश डैट आर टाइम बाउंड कपल डैश स्ट्रिक्ट फूड प्लान। जो डाइट होती है वो किस चीज से जुड़ी हुई है? फीलिंग ऑफ डेवलपिंग, ऐसी बात को, ऐसी चीज को, फील को डेवलप करना जिसमें आप क्या खाते हैं, वो भी टाइम बाउंड होता है, एंड दैट इज कपल्ड डैश स्ट्रिक्ट फूड प्लान, और उसमें जो फूड प्लान होता है उसको भी आप स्ट्रिक्ट कर देते हैं। बट द डैश मीनिंग ऑफ डाइट इज द फूड डैट डैश विच अ पर्सन फॉलोज डेली, लेकिन एक इसका असल मतलब ये होता है डाइट का, जो पर्सन रोज इसके अंदर फॉलो करने की कोशिश करता है, ठीक है।
इट डैश क्रिएटिंग अ फूड प्लान, ये एक फूड प्लान को क्रिएट करता है, दैट डैश अराउंड योर लाइफ स्टाइल, जो आपकी लाइफ स्टाइल के अराउंड घूमता है, योर वर्क आपके काम के प्रति घूमता है, क्वालिटी ऑफ योर स्लीप आपकी नींद की जो गुण है जो क्वालिटी है उसके प्रति घूमता है, योर डैश लेवल किस चीज का लेवल, तो सारी पॉजिटिव बातें हो रही है, द काइंड ऑफ डैश यू डू, योर पैलेट एंड योर डैश। मैं चाहूंगा कि यहां पर एक बार सारे बच्चे मुझे पैलेट का मीनिंग बताए, PALATE पैलेट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर डाइट शब्द क्या होता है। द वर्ड डाइट इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ डेवलपिंग ईटिंग डैश, ईटिंग के मैनर, ईटिंग के कस्टम, ईटिंग के नेचर्स नहीं होते, ईटिंग की हैबिट को डेवलप करने की फीलिंग से रिलेटेड है, दैट आर टाइम बाउंड एंड कपल्ड डैश, कपल्ड के साथ जब भी कंपाउंडेड या कपल्ड के साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन आता है तो ये एक फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है बच्चे, कपल्ड विद, किसका इस्तेमाल होगा, कपल्ड विद का इस्तेमाल होगा, सो ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी द राइट आंसर, 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, तीसरा क्वेश्चन, बट द डैश मीनिंग ऑफ, बट द टोटल मीनिंग ऑफ, कॉन्फिडेंट मीनिंग ऑफ, एक्चुअल मीनिंग ऑफ या पॉजिटिव, लेकिन डाइट का जो असली मतलब है द रियल मीनिंग, और रियल का मतलब होता है एक्चुअल, सो यहां पर 13 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप देख पा रहे हैं टीयर टू लेवल में मेंस लेवल पे कितना आसान लेवल आपके पास क्लोजेस्ट का आता है, बट जिन बच्चों की रीडिंग स्पीड रीडिंग हैबिट अच्छी होती है वो लोग ज्यादा बेहतर कर पाते हैं, ठीक है। बट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डाइट इज द फूड डैश विच अ पर्सन फॉलोज डेली, फूड एक्टिविटी, फूड रूटीन, फूड प्रोसीजर या फूड सिक्वेंस में से क्या आंसर आएगा। जो चीज आप डेली फॉलो करते हो उसे क्या कहते हैं, जो चीज डेली फॉलो करते हो उसे एक्टिविटी नहीं कहते, उसे प्रोसीजर नहीं कहते, उसे सिक्वेंस भी नहीं कहते, दैट इज व्हाट वी कॉल रूटीन, है ना। जब आप कभी लेट उठते हो और एक दो दिन लेट उठो तो आप ये बोलते हो कि आज से हमारा रूटीन बिगड़ गया है, मतलब आप जो डेली फॉलो करते थे वो अब डेली फॉलो नहीं हो पा रहा, अनफॉलो हो गया है। सो 14th क्वेश्चन का यानी 4th क्वेश्चन का आंसर यहां पर जो हो जाएगा वो रूटीन हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, सो इट डैश क्रिएटिंग अ फूड प्लान, इट इन्वॉल्व्स, इट प्रूव्स, इट एसोसिएट्स या इट डिजायर्स में से क्या आएगा, यानी कि फूड डाइट बनाने के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ फूड प्लान, इसके अंदर एक फूड प्लान को क्रिएट करना शामिल है, तो इट एसोसिएट संबंध रखता है, किसी चीज का सबूत देता है, इच्छा रखता है या किसी चीज को शामिल करता है, तो यहां पर किसी चीज को इंक्लूड करना या इन्वॉल्व करना आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इट इन्वॉल्व्स creating a food plan that dash around your lifestyle that resolves orbits revolves या orbit, तो आपको पता है अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, और चारों तरफ चक्कर काटने का मतलब रिवॉल्यूशन होना, तो ये डैश रिवॉल्व्स अराउंड हो जाएगा, 16 का आंसर सी हो जाएगा। कितनों बच्चों को लग रहा है कि ये आंसर बिल्कुल हूबहू आपके अंदर से कॉमन सेंस के हिसाब से ही बाहर अपने आप आ रहे होंगे, ठीक है। अगला देखिए, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ फूड प्लान डैट रिवॉल्व्स अराउंड योर लाइफ स्टाइल योर वर्क डैश क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, डैश क्वालिटी, कैसी क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, यहां पर योर वर्क लिखा स्पेसिफिक है, योर लाइफ स्टाइल स्पेसिफिक है, तो योर स्लीप की योर क्वालिटी स्पेसिफिक होगी, तो स्पेसिफिक चीजों के लिए हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं और वो हो जाएगा द, तो यहां पर द क्वालिटी यहां पर हो जाएगा, और द क्वालिटी के लिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, योर डैश लेवल, योर अथॉरिटी लेवल, योर कैपेसिटी लेवल, योर फोर्स लेवल या योर स्ट्रेस लेवल, इसका मतलब ये आपके
फोर्स के लेवल को, दबाव के लेवल को बढ़ाएगा, कैपेसिटी के लेवल को, अथॉरिटी के लेवल को, या स्ट्रेस लेवल को। तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्ट्रेस लेवल, सब चीजों को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने का काम आपका फूड डाइट से ही होता है। सो रियल वर्ड, द एक्चुअल वर्ड, द ऑप्टिमम वर्ड हियर इज स्ट्रेस। सो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द काइंड ऑफ यू, द काइंड ऑफ डैश यू डू, द काइंड ऑफ लेसन यू डू, एफर्ट यू डू, फिटनेस यू डू, या एक्सरसाइज यू डू। तो व्हाट यू डू, आप करते क्या हैं? तो आप हमेशा किसी चीज के लिए एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस नहीं करते, फिटनेस बनती है। एफर्ट करते हैं तो एफर्ट यहाँ आना नहीं था, लेसन करने का नहीं होता, लेसन पढ़ने का या सीखने का होता है, तो एक्सरसाइज आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, बहुत अच्छे, चलिए बराबर आप भी जवाब देते रहिए। और उसी के साथ साथ अब यहां पर आ रहा है योर पैलेट, द काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू डू, योर पैलेट एंड योर डैश। अब योर इम्पर्सोनेशन, पर्सनालिटी या पर्सन या पर्सनल में से क्या आएगा? पैलेट का मतलब होता है जो आपके मुंह के अंदर जो टॉप पार्ट होता है, इनसाइड योर माउथ, जिसे आप तालू कहते हैं, मुख के अंदर का ऊपरी भाग जिसे आप तालू कहते हैं, उसे द टॉप पार्ट ऑफ द इनर या इनसाइड ऑफ योर माउथ इज व्हाट वी कॉल पैलेट। ठीक है, तो आप कैसी एक्सरसाइज करते हो, कैसा आपका पैलेट है और कैसी आपकी पर्सनालिटी है, ये सारी चीज डिटरमाइन करता है आपकी जो भी हेल्दी डाइट होती है। सो यहाँ का क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होपफुली यहां तक कि आप क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए बराबर जवाब देते रहिए। अब देखते अगला कॉम्प्रिहेंशन, अगला क्लोज टेस्ट। पहला क्लोज टेस्ट 10 मार्क्स का था, दूसरा क्लोज टेस्ट 10 मार्क्स का था, अगर नेक्स्ट क्लोज टेस्ट आपका 5 मार्क्स का था। रागी इज ए पॉपुलर एनुअल प्लांट दैट इज डैश विद हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, दैट इज लोडेड विद, फुल विद, कंप्लीट विद, या सप्लाइड विद में से क्या आएगा? याद रखिएगा, कंप्लीट या सप्लाइड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता, फुल के साथ जो आता है ऑफ आता है, लोडेड के साथ विद का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली विद पहले से दिया हुआ है, तो रागी एक ऐसा पॉपुलर एनुअल प्लांट है जो लोडेड है, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर भरे पड़े हैं, बड़े सारे भरे पड़े हैं। ठीक है, राजेंद्र सिंह पूछ रहे हैं सर आप पीवाईपी डेली बेसिस पर कराते हैं? जी हाँ, सीजीएल प्रीलिम्स के जो 2019 वाले पेपर 2020 में हुए थे मार्च में, वो मैंने सारे के सारे करा दिए हैं। आप सारे के सारे इसी चैनल पर एक एक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ फिलहाल अभी इंग्लिश के सीजीएल टीयर 2 के मॉक टेस्ट, रियल टेस्ट चल रहे हैं, जो सीजीएल के मेंस के पेपर अभी नवंबर मंथ के हुए हैं। इसके बाद मैं आपको जानकारी दे दूं, सीपीओ के जितने भी पेपर हुए हैं उनको भी मैं वन बाय वन यहां पर कराने वाला हूं। ओके, चलिए अगले सवाल पर पहुंचते हैं। इट इज अ गुड डैश ऑफ आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम एंड डैश मिनरल। अब देखिए, इट इज अ गुड, अगर यहाँ अ लिखा है, गुड लिखा है और इसके बाद डैश लिखा है, तो मुझे एक बात बताइए ग्रामर की, ए क्या है आर्टिकल और गुड क्या है एडजेक्टिव। तो आर्टिकल और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है पार्ट ऑफ स्पीच में? नाउन। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आना चाहिए? नाउन। और बड़ी ही फॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शंस आपके पास नाउन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये आयरन का, प्रोटीन का, कैल्शियम का, मिनरल का क्या है? गुड ऑरिजन है, गुड स्प्रिंग है, गुड कॉज है, या गुड सोर्स है? तो आप स्रोत की बात करेंगे, सोर्स की बात करेंगे। सो यहाँ पर सोर्स इज द राइट आंसर, 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब डैश मिनरल्स, फर्दर मिनरल्स, अदर मिनरल्स, अनदर मिनरल्स, या एल्स मिनरल्स में से क्या आएगा? देखिए, अनदर तो लगता है एक के लिए, फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा के लिए। एक्स्ट्रा की बात तो तब होगी जब पहले कुछ मिनरल्स की बात हो चुकी हो, एल्स आएगा नहीं, तो अदर मिनरल्स की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, हाँ बिल्कुल सही है, आप सबके लिए बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा।
और जब आप मेंस लेवल को तैयार कर लेते हैं तो बेसिक लेवल जो CHSL, CPO, CGL के जो प्रीलिम्स लेवल है वो आपको कप ऑफ टी की तरह दिखाई देते हैं, बिल्कुल आसान केक वॉक की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहां पर फोर्थ, इट इज ऑल्सो रिच इन फाइबर। ये फाइबर में भी रिच होता है, इसके अंदर भरा भरा सा फाइबर भी होता है धूमधाम से। एंड डैश इन वेट लॉस, एड सर्विसेज हेल्प एंड बेनिफिट में से क्या राइट आंसर आएगा? अब मुझे बात बताइए, सब्जेक्ट क्या चल रहा है? इट, और ये वेट लॉस में भी मदद करता है, सेवा करता है या मदद करता है? तो आप कहोगे मदद करता है। मदद करने के लिए इट के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। अगर एस या ईएस आएगा तो हेल्प्स होता तो बात करते, बेनिफिट्स होता तो बात करते। AID, एड का मतलब भी होता है टू हेल्प, तो वर्ब के तौर पे इसके साथ एस लग जाएगा तो हेल्प्स लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए एड्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज इट कंटेन्स डैश सैचुरेटेड फैट्स, क्योंकि इसके अंदर डैश सैचुरेटेड फैट होता है। देखिए वेट लॉस में मदद करता है, तो मुझे बताइए फैट ज्यादा होगा या कम? तो वेट लॉस में अगर मदद कर रहा है तो इसके अंदर फैट बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई एक ऐसा एडजेक्टिव या एक ऐसा वर्ड आएगा जो कि अपने आप में नेगेटिव सेंस का होगा, अपने आप में नेगेटिव सेंस का होगा। और यहां पर आपके पास नेग्लिजिबल, एप्लीकेबल, कम्युनिकेबल या नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है जिस चीज के अंदर आप भाव मोल कर सकते हैं उसको कहते हैं नेगोशिएबल, है ना, जिसके अंदर आप भाव मोल कर सकते हैं उसे नेगोशिएबल कहते हैं। तो ये आंसर नहीं होगा। जो चीज एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है, संक्रामक रोग जो होते हैं उसे कम्युनिकेबल कहते हैं, वो भी नहीं होगा। दूसरी तीसरी चीज एप्लीकेबल, जिस चीज को अप्लाई किया जा सकता है, एप्लीकेबल नहीं। यहां पर सैचुरेटेड फैट जो है वो न के बराबर है, और जो भी चीज न के बराबर होती है उसे नेग्लिजिबल कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो नेग्लिजिबल इज द राइट आंसर। अब अगर आपसे कोई पूछ ले नेग्लिजिबल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप कहोगे एबल या ईबल से खत्म होने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, और नेग्लिजिबल का अपना मतलब होता है न्यूगेटरी होता है, या फिर न के बराबर इनसिग्निफिकेंट के सेंस में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप सारे के सारे लोग इस वर्ड के मीनिंग को भी यहां पर नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहां तक की बात खत्म हुई, तो 25 क्लोज टेस्ट, 25 क्वेश्चन जो थे वो क्लोज टेस्ट के हमने यहां पर वन बाय वन पूरे कर लिए। अब इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है और उसके बेस पे 5 या 10 क्वेश्चन होंगे। अब मुझे लगता है कि ये फॉन्ट साइज के हिसाब से आपके पास छोटा है, और इसके लिए हमें सबसे पहले इसको अब पढ़ना है। तो जो भी हमें पढ़ना है वो कहानी मेरे साथ साथ पढ़िएगा, समझिएगा। मैं इस कहानी को यहाँ रख देता हूं और मेरे साथ साथ मैं बोलता जाऊंगा और उसको आप आनंद से लेते रहना। जी हाँ राजेंद्र सिंह जी, नेग्लिजिबल का मतलब नगण्य होता है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए दूसरा शब्द मैं कैम्ब्रिज यूज करता था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट वेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टूगेदर समथिंग एल्स, लेकिन ये अजीब था कि जब मैंने उसको छोड़ा वो एकदम से बिल्कुल कुछ और ही बन गया था। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर, क्योंकि मैं वहां स्टीफन हॉकिंस से मिला था। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। जो आज डिसेबल्ड था, एक पुअर मैन की तरह, एक गरीब आदमी की तरह दिख रहा था, जिसको एक गाइड ने मुझे मिलवाया था एक वॉकिंग टूर की जगह कि देखिए ये स्टीफन हॉकिंग है, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, दो ही इज वर्दी सक्सेसर टू आइजक न्यूटन। और वो आइजक न्यूटन का वर्दी मतलब लायक, डिजर्विंग सक्सेसर था, आगे उसकी बात को बढ़ाने वाला था। हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, और हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में उसकी अपनी एक कुर्सी थी, चेयर थी, चेयरमैनशिप संभालता था। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट।
scholar of astrophysics, branch of physics dealing with the stars or planets. ऐसी फिजिक्स जो स्टार्स और प्लैनेट से डील करती है उसको कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। डील के साथ प्रपोजिशन हमेशा विद का इस्तेमाल होगा। जी हाँ, ये मेंस के पेपर है 18 नवंबर। तो मैंने उससे मैंने शुरू किया बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, मैं कुछ कुछ भूल गया था। दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिस्ट, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ऑथर किस किस का है ये? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब वॉकिंग टूर खत्म हो गया था, आई रश टू ए फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट टियरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। मैं फोन बूथ तक पहुंचा और टियर द कोड बाहर तक खींची ताकि वो बाहर तक खींच सके। एंड फोन स्टीफन हॉकिंस हाउस, मैंने स्टीफन हॉकिंस के घर फोन मिलाया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट, उसका घर पे असिस्टेंट था ऑन द लाइन। एंड टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से व्हील चेयर में आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, वो समझ गया कि मैं भी बहाना सा बना रहा हूँ। To write about my travels in Britain, मैं लिखना चाहता हूँ ब्रिटेन में मेरे ट्रेवल्स के बारे में। I had to see Professor Hawking, मैं Professor Hawking से मिलना चाहता हूँ। Even 10 minutes would do, बस 10 मिनट भी मिल जाए तो बहुत है। Half an hour, he said, आधा घंटा। From 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे। And suddenly I felt weak all over, और फिर मैं अपने आप को दुर्बल और कमजोर महसूस करने लगा। Growing up disabled, एकदम से disabled grow होते होते, you get fed up with people asking you to be brave, आप उन लोगों से बिल्कुल fed up हो जाते हो, बेकार हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, उदास हो जाते हो, जो लोग आपसे कल्पना करते कि आपको बहुत बहादुर, बहुत ब्रेव होना चाहिए। As if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. अब चेक को भी ड्रॉ करने में भी कई बार लेजी हो जाते। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. आप तभी अपने आप को स्ट्रॉन्गर महसूस करते हो जब आपको अपने हिसाब किताब का ही कोई इंसान मिलता है जो कोई कुछ बड़ा पाना चाहता है, समथिंग हु इज गोइंग टू अचीव समथिंग ह्यूज। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। और उसी के बाद ये संभव हो पाता है कि आप कितना और कितना और कितना और आगे बढ़ सकते हो। I haven't been brave, मैं कभी से brave नहीं रहा, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice, मेरे पास कोई choice नहीं थी. Surely I wanted to say, living creativity with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet, मैं चुप रहा, because I felt guilty every time I spoke to him. जब भी मैंने उससे बात की, मैंने अपने आप को ही guilty महसूस किया. Forcing him to respond, मैंने उसको respond करने के लिए force किया, दबाव दिया. There he was tapping at the little switch in his hand, उसके hand में एक little छोटा सा switch था, उसको वो tap कर रहा था, trying to find the words on his computer, अपने computer में words को पाने की कोशिश कर रहा था. With the only bit of moment left to him, बस उसके पास थोड़ा सा क्षण, थोड़ी सी moment बाकी बची थी. His long pale fingers, लंबी लंबी पीली पीली उसकी fingers थी. Every so often, बस थोड़ी ही देर में, his eyes were shut in front. Frustrated exhaustion, और उसकी आंखें frustrated exhaustion और थकान के कारण बिल्कुल बंद हो गई. क्या हो गई? बंद हो गई. और every so often and sitting opposite him I could feel his anguish, और उसके सामने बैठे बैठे मैं उसके गुस्से को समझ सकता था. The mind buoyant with thoughts, जो mind था वो उछाल मार रहा था thoughts के साथ. That came out in frozen phrases, जो कि जमे हुए phrases के साथ कुछ बाहर आ रहा था. And sentences tough as corpses, यानी कि जिंदा लाश की तरह जो sentence दबे बैठे थे, जो stuff हो रखे थे, उन चीजों के अंदर ये चीजें हो रखी थी. तो ये आपके पास कॉम्प्रिहेंशन था. अगर आपने मुझे पूरी मोहब्बत और पूरी इनायत के साथ सुना होगा तो आप एक एक शब्द का बिल्कुल तरीके से, एक एक क्वेश्चन का सही तरीके से जवाब दे सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, एस्ट्रोफिजिक्स किस चीज से डील करती है? ऑप्शन ए कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी डिजीज, ऑप्शन सी स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ऑप्शन डी क्रिएटिव राइटिंग. में से क्या राइट आंसर आएगा? वेरी गुड. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, बहुत ही शानदार. तो यहाँ पर स्टार्स और प्लैनेट्स की जो
विद्या होती है उसे एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। द नैरेटर पुल्ड द टेलीफोन कॉर्ड आउटसाइड द फोन बूथ बिकॉज। नैरेटर ने, कहानी सुनाने वाले ने टेलीफोन कॉर्ड को फोन बूथ के बाहर खींचा था। क्यों खींचा था? बिकॉज ही वॉज ईगर टू कॉल स्टीफन हॉकिंग नॉट एबल टू हियर। वो खुद भी अपने आप में व्हील चेयर पे था। ही वॉज अनेबल टू एंटर द बूथ बिकॉज ही वॉज ऑन द व्हील चेयर। सो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। आकाश गुहा, मेरा नाम साहिल मित्तल है। धीरज मीना कह रहे हैं सर पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज फैक्ट्स इज नॉट ट्रू अबाउट स्टीफन हॉकिंग। इनमें से कौन सी बात स्टीफन हॉकिंग के लिए सही नहीं है? मतलब तीन बातें सही है, एक बात गलत मिलेगी। सो अ पैरालाइज्ड मैन, ये बात तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है। अ वर्दी कंटेम्प्रेरी ऑफ न्यूटन, आइजक न्यूटन की बात हो रही थी क्या? नहीं, वो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता समकालीन, उसी काल का होना, लेकिन वो कंटेम्प्रेरी नहीं था, उसका सक्सेसर था, यानी न्यूटन उससे पहले से थे। तो ये आंसर इसमें नहीं आएगा, और मतलब ये वाला आंसर इसके अंदर सही है, मतलब नॉट ट्रू। तो ये वाली बात ट्रू थी। अ ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिस्ट, ये भी ट्रू है। अ प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज, ये भी ट्रू है, लेकिन फॉल्स कौन सी है ये वाली बात? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ही वॉज द वर्दी सक्सेसर ऑफ न्यूटन नॉट द कंटेम्प्रेरी ऑफ न्यूटन। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, सिंक्रोनस के सेंस में इसको बोलते हैं, सिंक्रोनस हिंदी में बोलते हैं इसको, समकालीन। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 29। द नैरेटर फेल्ट द प्रोफेसर एंग्विश। नैरेटर ने प्रोफेसर के एंग्विश यानी गुस्से को देखा। कहां देखा? इन द एक्सट्रीम एग्जॉशन इन हिज फेस, इन हिज इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स इन वर्ड्स, इन द लॉस ऑफ मोमेंट इन हिज लेग्स, या इन हिज एफर्ट टू पुट अप अ ब्रेव हार्ट। तो लास्ट के अंदर आपके पास आया था फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टफ, यानी उसके जो फ्रेज थे सेंटेंस थे वो जब गए थे, यानी जो वो दिमाग से कहना चाह रहा था उनके शब्द उसके बन नहीं रहे थे। इन हिज इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30। कंप्लीट द सेंटेंस टू मेक इट ट्रू। इस सेंटेंस को सच बनाने के लिए, बिल्कुल सच बनाने के लिए, सच बनाने का मतलब एक पार्ट इसमें ट्रू है, बाकी तीन चीजें इसमें फॉल्स बनाने वाली है, तो वो ढूंढना है जो ट्रू बना रहा है। द नैरेटर इज द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। नहीं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम तो किसने लिखा था? स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था, ये आंसर नहीं आएगा। केम टू ब्रिटेन टू स्टडी एस्ट्रोफिजिक्स, वो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने आया था? नहीं जी, वो तो बस घूमने आया था। डिसलाइक्स पीपल आस्किंग हिम टू बी ब्रेव, जब भी लोग उससे पूछते थे कि भाई ब्रेव हो जाओ, तो उन लोगों को वो नापसंद करता था कि ब्रेव क्या होना है तुम्हारे कहने से, अपने से भी कमजोर बुजदिल आदमी को अपने से ज्यादा ऊंचा बढ़ते देखोगे, आप अपने आप स्ट्रांग हो जाओगे, ऐसा उसका मानना था। तो सी मस्ट बी द राइट आंसर टू मेक द सेंटेंस ट्रू। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। मैट स्टीफन हॉकिंग एक्सीडेंटली, वो अचानक मिला था या फिर वो मिलना ही चाहता था? वो विलिंगली मिला था, है ना, वो एक्सीडेंटली बाय चांस नहीं मिला था, तो एक्सीडेंटली नहीं आएगा। डी आंसर भी यहां पर नहीं होगा। ठीक है, सो ये एसएससी सीजीएल 19 का जो टीयर 2 का पेपर हुआ 2018 का, उसका जो थर्ड शिफ्ट हुआ था 18 तारीख को, वो हम यहां पर कर रहे हैं। और अभी तक हम तीन क्लोज टेस्ट कर चुके हैं और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक और आपके सामने ये रहा इस स्क्रीन पर। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो इसकी आप प्रश्न देख लें, और प्रश्न आपके पास कौन कौन से हैं। शाहिद वॉइस वॉज फुल ऑफ जोकुलरिटी, दिस मीन इट वॉज,
जोकुलैरिटी का मतलब क्या होता है? दूसरा, व्हाई हैड द नरेटर कॉल्ड शाहिद अली? नरेटर ने शाहिद अली को क्यों बुलाया था? व्हाट मेड शाहिद थिंक हिज एंड वाज नियर? कौन सी चीज ने शाहिद को ऐसा लगाया कि भैया तेरा मौत, तेरा अंत निश्चित है? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके पास हैं, आइए इनको वन बाय वन करके देखते हैं। लेकिन पहले पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंशन को आप मेरे अंदाज में सुनिए ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाए। सुनेंगे या नहीं? यस और नो? द फर्स्ट टाइम दैट आगा शाहिद अली स्पॉक टू मी, पहली बार आगा शाहिद अली मुझसे बात की थी अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वॉज ऑन 25 अप्रैल 2001। उसकी जो मौत आने वाली थी वो 25 अप्रैल 2001 को आने वाली थी। द कन्वर्सेशन बिगैन रूटीनली, लगातार की तरह इस बार भी अपनी बातचीत शुरू हुई। आई हैड टेलीफोन टू रिमाइंड हिम दैट वी हैड बीन इनवाइटेड टू अ फ्रेंड्स हाउस फॉर लंच, मैंने उसको टेलीफोन किया और याद दिलाने के लिए कि हम दोनों को इनवाइट किया गया था हमारे दोस्त के घर में लंच के लिए। ऑल्दो ही हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर फॉर सम 14 मंथ्स, यद्यपि वो कैंसर के ट्रीटमेंट में था पिछले 14 महीनों से, शाहिद वॉज स्टिल ऑन हिज फीट, लेकिन वो चलने लायक हो गया था। स्टिल ऑन हिज फीट का मतलब वॉकिंग स्टाइल में हो गया था वो अपने, एंड परफेक्टली लूसिड, बिल्कुल क्लियरली था वो अपने चलने फिरने में, एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्सेज ऑफ मेमोरी, कभी कभी बस कुछ कुछ भूल जाता, लैप्सेज ऑफ मेमोरी, कुछ मेमोरी में गैप आ जाते थे। आई हर्ड हिम थम्पिंग थ्रू हिज एंगेजमेंट बुक एंड देन सडनली सेड ओह डियर आई कांट सी अ थिंग, कभी कभी मैं उसको देख लेता था अपने एंगेजमेंट बुक में, बोलता था यार आई कांट सी अ थिंग, मैं चीजों को देख नहीं पा रहा हूँ। देर वॉज अ ब्रीफ पॉज एंड देन ही एडेड, फिर वो थोड़ी देर रुकता और फिर उसके अंदर जोड़ता बात को, आई होप दिस डज नॉट मीन दैट आई एम डाइंग, इसका मतलब है कि मैं मर नहीं रहा हूँ। आई डिड नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, अब मुझे नहीं लगता था कि मरने की बात पर उत्तर कैसे दिया जाए। हिज वॉइस वॉज कम्प्लीटली एट ऑड्स, एट ऑड्स का मतलब बिल्कुल दुश्मनी वाली भाषा में, अपोजिट डायरेक्शन में, हिज वॉइस वॉज कम्प्लीटली एट ऑड्स विद द कॉन्टेंट ऑफ वॉट ही हैड जस्ट सेड, उसकी जो वॉइस थी और जो उसने कहा वो दोनों में कोई भी आपस में मिला जुली बात नहीं थी। लाइट टू द पॉइंट ऑफ जोकुलैरिटी, अगर मैं जोकुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जोकुलैरिटी का मतलब होता है जिंदा दिली, दोस्तानापन, जिंदा दिली है ना, एमिएबिलिटी, एमिकेबिलिटी, अफेबिलिटी है ना, हारमोनियसनेस के तौर पर यूज होता है। I mumbled something innocuous. Innocuous का मतलब होता है जो चीज कभी खतरा नहीं पहुंचाती, सामान्य चीजें। I mumbled something innocuous. मैंने कुछ गुनगुनाया। No, Shahid, of course not. Shahid, बिल्कुल भी नहीं। You will be fine. तुम ठीक हो जाओगे। He cut me short. उसने मेरी बात को बीच में काटा। In a tone of voice that was at once quizzical and direct. In a tone of voice that was at once, एकदम से अचानक वो quizzical and direct हो गई, प्रश्न वाली हो गई, डायरेक्शन देने वाली हो गई, सीधी सीधी बात हो गई। एंड ही सेड व्हेन इट हैपेंस आई होप यू विल राइट समथिंग अबाउट मी, जब भी ऐसा होगा तो तुम मेरे बारे में जरूर लिखना। एंड आई वाज शॉक्ड इनटू साइलेंस, मैं एकदम से चुप हो गया शॉक के मारे। एंड अ लॉन्ग मोमेंट पास्ड बिफोर आई कुड ब्रिंग मायसेल्फ टू से द थिंग्स दैट पीपल से ऑन सच ओकेशंस, और मुझे इस बारे में कॉन्शियस होने में ही कई देर लग गए कि ऐसे मौके पर कोई किसी को क्या ही जवाब दे। I was shocked into silence and a long moment passed before I could bring myself to say the things that people say on such occasions. Shahid, you will be fine. You have to be strong. From the window of my study, I could see a corner of the building in which he lived. बिल्डिंग के कॉर्नर से मैं देख पाता था कि वो जहां रहता था, सम 8 ब्लॉक्स अवे, मेरे से 8 ब्लॉक्स दूर था। इट वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव्ड देयर, बस कुछ ही महीने हुए थे जो ये यहाँ आया था। ही हैड बीन लिविंग अ फ्यू माइल्स अवे इन मैनहट्टन व्हेन ही हैड अ सडन ब्लैकआउट इन फरवरी 2000 आफ्टर टेस्ट रिवील्ड दैट ही हैड अ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। उसको जब पता लगा कि उसको मैलिग्नेंट, बिल्कुल खतरनाक, इलविल, बिल्कुल खराब कर देने वाला, MAL से शुरू होने वाले वो नेगेटिव मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर हो चुका है और उसको एकदम से सडन ब्लैकआउट हो गया फरवरी 2000 के अंदर, ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन, वो ब्रुकलिन में जाने का उसने फैसला किया, टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर, उसकी सबसे छोटी जो सिस्टर है समिथा वो वहां रहती है, हु टीचेज एट द पैरेट इंस्टीट्यूट
फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूँ सड़क से थोड़ी सी दूर पे ही वो रहती है, शायद इग्नोर्ड माई रीअश्योरेंसेज। जो बार बार मैं उसे रीअश्योरेंस दे रहा था कि भाई तुम ठीक हो जाओगे ठीक हो जाओगे, शायद बिल्कुल उस बात को नजरअंदाज कर रहा था। ही बिगैन टू लाफ, वो हंसना शुरू कर दिया था उसने। एंड इट वॉज देन दैट आई रियलाइज दैट ही वॉज डेड सीरियस। बिल्कुल वो बिल्कुल डेड सीरियस का मतलब मजबूत रूप से सीरियस है। डेड का मतलब यहाँ मृत्यु नहीं है, डेड सीरियस का मतलब होता है डेड एंड, डेड सीरियस मतलब अंतिम रूप से अल्टीमेटली सीरियस है। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया दैट ही वॉज इंटरेस्टिंग मी विद अ क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज, वो मुझे कुछ जिम्मेदारी देना चाहता है। ही वॉन्टेड मी टू रिमेंबर हिम नॉट थ्रू दिस स्पोकन रेसिटेटिव ऑफ मेमोरी एंड फ्रेंडशिप, वो चाहता था कि मैं उसको इसलिए याद ना रखूं कि वो दोस्ती और यादें जो मुझे वो सुनाता था उनको मैं याद रखूं, बट थ्रू द रिटन वर्ड, जो वो लिखकर जा रहा है उसके थ्रू मैं उसको याद रखूं। ही न्यू, वो जानता था दैट माई इंस्टिंक्ट्स, जो मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं, वुड हैव लैड मी टू सर्च फॉर रीजंस टू अवॉइड राइटिंग अबाउट हिज डेथ, क्योंकि उस वो जानता था अपनी इंस्टिंक्ट के माध्यम से और मेरी इंस्टिंक्ट के माध्यम से कि उसकी मौत के बारे में मैं कुछ लिखूंगा नहीं। और बार बार वो मुझे यही कहता था कि भाई तू मेरी मौत के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखना। आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ, मैं काश मैंने अपने आप को बोला होता दैट आई वॉज नॉट अ पोएट, कि मैं कवि नहीं हूं, दैट आर फ्रेंडशिप वॉज ऑफ रिसेंट डेट, भाई हमारी दोस्ती तो अभी अभी तो हुई है। दैट देर वर मेनी अदर्स हु न्यू हिम मच बेटर एंड वुड बी राइटिंग फ्रॉम ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, कई लोग थे जो मेरे से भी पहले से उसको जानते थे और मुझसे बेहतर उसके लिए कुछ लिख सकते थे। ऑल दिस शाइड एट गेस्ड एंड ही हैड डिसाइडेड टू शट ऑफ दोज रूट्स व्हाइल देयर वाज स्टिल टाइम, लेकिन शाहिद ने मुझे सारे के सारे रास्तों को बंद कर दिया जबकि समय अभी भी बचा हुआ था। और उसने कहा यू मस्ट राइट अबाउट मी, तुम ही मेरे बारे में लिखोगे। फाइनली आई सेड, और अंत में मैंने कहा शाहिद आई विल डू द बेस्ट आई कैन, मैं ही लिखूंगा मैं ही करूंगा जितना मैं अच्छे से अच्छा कर पाया मैं ही करूंगा। कैसी लगी कहानी? बड़ी इमोशनल सी कहानी थी। चलिए, शाहिद्स वॉइस वॉज फुल ऑफ जोकुलैरिटी। दिस मीन्स जोकुलैरिटी का मतलब क्या होता है? जो भी चीज जिंदा दिली मजाकिया हंसी खुशी वाली होती है, तो ह्यूमरस के सेंस में यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सिनोनिम का क्वेश्चन है आपके पास, सो जो क्लैरिटी का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाई हैड द नरेटर कॉल्ड शाहिद अली, शाहिद अली को नरेटर ने क्यों बुलाया था? क्यों बुलाया था? टू गिव हिम एन इंपॉर्टेंट टास्क, इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ, टू चीयर हिम अप इन हिज डिप्रेशन, या टू रिमाइंड हिम अबाउट अ लंच इन्विटेशन, क्योंकि वो अब भूलने लगा था, तो भैया मुझे लंच इन्विटेशन आया हो उसके लिए याद दिला देना। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, व्हाट मेड शाहिद थिंक हिज एंड वॉज नियर, किस चीज ने बताया बताया कि भैया तुम्हारा एंड नियर है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ही वॉज अनेबल टू स्टैंड ऑन हिज फीट, वो अपने पैरों पर पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। ही सडनली कुडंट सी एनीथिंग, एकदम से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ब्लैकआउट हो गया था, सडन ब्लैकआउट। और उसी के बाद उसके पास मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर की भी इंफॉर्मेशन उसके पास आ गई थी। तो इसका मतलब है ही कुडंट सी एनीथिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ही कुडंट यूटर अ वर्ड, ही वाज अनेबल टू थिंक क्लियरली, ये कोई भी आंसर नहीं होंगे। विच ऑफ दीज वॉज नॉट एन एक्सक्यूज दैट द नरेटर थॉट ऑफ टू डिक्लाइन शाहिद्स रिक्वेस्ट, शाहिद की रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करने के लिए कौन सा नरेटर का एक्सक्यूज बिल्कुल भी नहीं था? तो कौन कौन से एक्सक्यूज हो सकते थे? दैट ही वॉज नॉट अ पोएट, ये एक एक्सक्यूज हो सकता था, ये तो ट्रू है, लेकिन मुझे तो नॉट निकालना है। दैट देयर फ्रेंडशिप वॉज क्वाइट रिसेंट, ये भी ट्रू है। दैट अदर्स न्यू शाहिद बेटर, ये भी ट्रू है। ही वॉज टू बिजी, ये कोई भी बहाना नहीं था, ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर। जिसने कहानी को बहुत ही शानदार और तरीके से पढ़ा है उसको जरूर से जरूर चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, टेंस प्लीज सर, मतलब क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट डिड शाहिद रिक्वेस्ट द नरेटर टू डू, शाहिद ने नरेटर से क्या करने के लिए रिक्वेस्ट की? तो शाहिद ने कहा कि भैया मेरे मौत के बाद मेरे बारे में जरूर लिखना, राइट अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके,
द नरेटर वॉज रिलक्टेंट टू राइट अबाउट शाहिद. नरेटर क्योंकि रिलक्टेंट था, विशी वैशी था, अनविलिंग था, हेजिटेंट था शाहिद के बारे में लिखने के. क्यों? ही वुडेंट बी पेड फॉर इट. उसको कुछ पैसे नहीं मिलने वाले थे इस चीज के लिए. या फिर द सब्जेक्ट डिड नॉट इंटरेस्ट हिम. जो सब्जेक्ट मैटर था जिसके बारे में लिखना था उसको उसमें मजा नहीं आ रहा था. या इट वुड बी इमोशनली टफ फॉर हिम. ये भावनात्मक रूप से उसके लिए बड़ा ही मुश्किल था. या ही डिडेंट हैव इनफ टाइम. उसके पास ज्यादा समय नहीं था. सो ये भावनात्मक तौर पर उसके लिए बड़ा मुश्किल था, टफ था. तो 36 का आंसर हो जाएगा सी. मैं कैसे लिखूंगा यार तुम्हारे लिए? किसी के लिए ऐसी बातें सुनना और ऐसी बातें कहना अपने आप में बड़ा ही मुश्किल चीज हो जाती है. ओके. क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट डिजीज वॉज शाहिद अली सफरिंग फ्रॉम. शाहिद अली किस डिजीज से सफर कर रहा था, पीड़ित था. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है. लॉस ऑफ मेमोरी, ब्लड कैंसर, ब्लाइंडनेस, ये तीनों नहीं आएंगे. उसको मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर हुआ था. 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ब्रेन ट्यूमर इज द राइट आंसर यहां पर हो जाएगा. ठीक है, ब्रेन ट्यूमर. अगला देखिए. शाहिद हैड मूव टू ब्रुकलिन. शाहिद ब्रुकलिन चला गया था. क्यों चला गया था ब्रुकलिन? क्योंकि ब्रुकलिन में उसकी छोटी, सबसे छोटी सिस्टर रहती थी. टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर. 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ठीक है, अगला देखिए. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज शाहिद अली. शाहिद अली किस तरह का इंसान था. शाहिद अली डिप्रेस्ड था, फुल ऑफ लाइफ था, डेंजरस था या फॉरगेटफुल. तो पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ था कि वो उसके अंदर बिल्कुल मतलब क्रेजी तरीके से चीजों को बताता था, है ना, जो कुलैरिटी के साथ चीजों को बताता था. जो कुलैरिटी मतलब ह्यूमरस के तौर पर. तो ही वाज फुल ऑफ लाइफ, ही वाज अ लाइवली पर्सन, ही वाज अ विवेसियस एंड कॉन्विवियल पर्सन. जिंदा दिली, जिंदा जिंदा दिली, जिंदा दिली का नाम है ना. मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं उस सेंस में. तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. अगला देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 40. शाहिद वाज परफेक्टली लूसिड. दिस सजेस्ट ही वाज. शाहिद बिल्कुल सही सही तरीके से बोल सकता था. लूसिड, लूसिड का इस्तेमाल कहाँ हुआ था? तो लूसिड का इस्तेमाल तब हुआ था जब वो सही तरीके से बोल पा रहा था. तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या वो कंफ्यूजन में था, क्या वो कंफ्यूज था, क्या वो इंटेलिजिबल था? नहीं, ही वॉज स्पीकिंग कोहरेंटली. वो लॉजिकली जो भी बोल रहा था उस चीज के ऊपर बातचीत कर सकता था. तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ओके, चलिए एक और कॉम्प्रिहेंशन यहां पर आपके पास है. आइए उसको और कहानी को खत्म करते हैं. और फिर आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके पास ग्रामर के, वोकैब के तमाम क्वेश्चंस लेके आएंगे. तो यहां पर ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी. ठीक है, चलिए. तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है. सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन देख लो. द वर्ड सीजनल रिवर्स इन द पैसेज मीन्स. सीजनल रिवर का अपने तौर पे पैसेज में मीनिंग क्या है? ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है. आइए मैं आपको इस पैराग्राफ के साथ जर्नी कराता हूं और फिर इसको साथ साथ पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिले फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. जो भारत का अपवाह तंत्र है वो मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड फीचर, रिले फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ये जो उपमहाद्वीप का जो रिले फीचर है, ब्रॉड रिले फीचर है, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है. इसके अनुसार अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप्स. भारतीय नदियों को दो बड़े वर्गों में बांटा जाता है. द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स. एक हिमालय की नदियां हैं और एक प्रायद्वीपीय नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां. अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है इन मैनी वेज, बहुत तरीकों से. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल. जो हिमालयन रिवर्स है अधिकतर वो पेरेनियल है, वो सदाबहार है, सदा नीरा है, हमेशा बहती हैं. इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. इसका मतलब है कि उनके अंदर हमेशा पानी रहता है. दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम
मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन, शानदार हिमालय पर्वत से जो मेल्टेड स्नो, पिघली हुई बर्फ आती है और रेन होती है, वहां से उन नदियों को जल प्राप्त होता है। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, जो हिमालयन रिवर्स जो बड़ी बड़ी है वो इंडस यानी सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र है। दीज रिवर्स आर लॉन्ग, ये नदियां बड़ी लंबी है, एंड आर ज्वाइंट बाई मैनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, और कई सहायक बड़ी बड़ी नदियां इनके अंदर जुड़ती है। अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम, और एक रिवर जिसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी उसके अंदर आकर जुड़ती है, उसी को अंग्रेजी में रिवर सिस्टम यानी कि नदी तंत्र कहते हैं। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज, और दो हिमालयन रिवर जो है इंडस और ब्रह्मपुत्र जो ओरिजिनेट होती है, जो उद्भव होती है नॉर्थ से माउंटेन रेंज में, दे कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गोर्जेज इन द अपर कोर्स, और ऊपरी कोर्स में ये बड़े बड़े खड्डे, बड़े बड़े गोर्ज बनाती हुई चलती है। द पेरिनियल हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, और अपने उद्गम से लेके सी तक इसका बड़ा ही लंबा रास्ता ये तय करती हुई जाती है। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेज एंड कैरी ह्यूज लॉट्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड विद देयर स्विफ्ट करंट, अपने तेज बहाव के साथ ये मिट्टी का कटाव करते हुए चलती है और बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारा सिल्ट और सैंड अपने साथ लेकर आती है। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्स दी रिवर्स फॉर्म मिंडियस, ये मिंडियस बनाती है, ऑक्सबो बनाती है, लेक्स बनाती है, लेविस बनाती है, और अदर डिपोजिशनल फीचर्स बनाती है अपने फूड प्लेन्स में एज देयर स्पीड स्लैकन, स्लैकन का मतलब कम होना, जैसे जैसे इनकी स्पीड कम होती है ये तमाम ये सारी चीजें बनाती है। कौन सी चीज इसमें से बनाती है, कौन सी नहीं बनाती, इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन हो सकता है। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज, इनके अपने वेल डेवलप्ड डेल्टाज होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स लाइक द गोदावरी, अब बात करते पेनिनसुलर रिवर की, बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर्स है, प्रायद्वीपीय नदियां जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सारी सीजनल है। एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल, इनका जो फ्लो है, इनका जो बहाव है, इनका जो अपने आप में जो अपवाह है वह है सीजनल है, वह मौसमी है, ये केवल कुछ मौसम में ही बहती है, ये हमेशा पेरेनियल नहीं है, सदा नीरा नहीं है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, सूखे दिनों में, व्हेन इट डजंट रेन, जब बारिश नहीं होती, इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स, तो बड़ी बड़ी नदियों में भी पानी का स्तर, जल स्तर कम हो जाता है। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शोल्टर एंड शालोअर कोर्स एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट, ये शालोअर है, उथली हुई नदियां हैं, गहरी ज्यादा नहीं है, शोल्टर है, छोटी है, ज्यादा लंबी नदियां नहीं है। However, some of them originate in the central highlands. लेकिन इनमें से कई जो नदियां हैं वो उद्भव उनका सेंट्रल हाईलैंड से है, ऊंचे भूमि से है, एंड फ्लो टुवर्ड द वेस्ट, और ये जो नदियां हैं वो वेस्ट की तरफ बहती है, मतलब वेस्ट की तरफ बहने का मतलब ईस्ट से शुरू होती है वेस्ट की तरफ। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट, और ज्यादातर नदियां वेस्टर्न घाट से शुरू होती हैं एंड फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल, और वो बे ऑफ बंगाल में बहती है। ठीक है, तो इस तरह से यूज हो जाएगा। चितवन जी नमस्कार। चलिए अब इसके अंदर वन बाय वन करके सवालों के जवाब देखते हैं। द वर्ड सीजनल रिवर्स इन द पैसेज मीन्स, सीजनल का मतलब क्या है, अब नीचे से देखते हैं इसको। रिवर्स दैट नेवर गो ड्राई, जो कभी सूखती नहीं है, नहीं। रिवर्स दैट चेंज देयर कोर्स, जो अपना रास्ता बदल लेती है, नहीं। रिवर्स दैट फ्लड इन एवरी सीजन, जो बाढ़ लेके आती है, नहीं। रिवर्स हिज फ्लो इज डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल, जिसका फ्लो जो है रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, जी हाँ, ये इसका बिल्कुल सही तरीका होगा। ठीक है, सो यहां पर क्वेश्चन नंबर ए, 41 का क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आशीर्वाद है भैया, मेरा आशीर्वाद है उत्कर्ष भैया। क्वेश्चन नंबर 42, अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम, फूड प्लेन, हाईलैंड या पेनिनसुला, एक रिवर जिसके पास उसकी बहुत सारी सहायक नदियां होती है, ऐसी चीज को नदी तंत्र कहते हैं, और नदी तंत्र को रिवर सिस्टम कहते हैं। तो 42 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43, पेरिनियल रिवर मीन, पेरिनियल का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी भरा रहता है। रिवर विद लॉन्ग कोर्स, ओरिजिनेट माउंटेन, रिसीविंग वाटर फ्रॉम द रेन,
फुल ऑफ वाटर, जिसमें पानी भरा रहता है पूरे साल भर, 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखो सी और डी लगभग सेम ऑप्शन टाइप के लग रहे हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 44, इरोजनल एक्टिविटी, जो मिट्टी के कटाव की क्षरण की जो एक्टिविटी है, टेक्स प्लेस इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर, बिकॉज वो अपर लेवल पर ही क्यों ज्यादा होती है जो इरोजनल एक्टिविटी होती है, बिकॉज उस ऊपर जो पानी आता है नीचे की तरफ, तो उस पानी की जो नदी की जो स्पीड है वो बहुत तेज होती है, तो बहुत तेज होती है, तो द ग्रेटर स्पीड ऑफ द वॉटर, 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर कंट्रोल्ड बाय, ये पहली लाइन में लिखा हुआ था, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द रिलीफ फीचर, तो रिलीफ फीचर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 का सी। रिलीफ फीचर का मतलब फिजियोग्राफिक से रिलेटेड है। हिमालयन रिवर्स आर नेवर ड्राई, हिमालय की नदियां कभी सूखती नहीं है, क्योंकि ये ग्लेशियर और रेनफॉल दोनों के द्वारा इनको पानी मिलता रहता है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये केवल रेनफॉल पर डिपेंड नहीं है, ये रेनफॉल और ग्लेशियर दोनों के द्वारा इनको पानी मिलता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ दीज इज नॉट अ डिपोजिशनल फीचर फाउंड इन द लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर, रिवर जब अपने लोअर कोर्स में आती है तो वो डिपोजिशन, जब मिट्टी के सिल्ट को डस्ट को जमा करती हुई चलती है, तो उनसे कौन कौन सी भू आकृतियां बनती है, मेंडर बनता है, यस, लेवी बनता है, यस, ऑक्सबो लेक बनता है, यस, पर गोर्ज बिल्कुल भी नहीं बनता, गोर्ज तो ऊपरी लेवल पर बनता, अपर लेवल पे, ये लोअर कोर्स की बात कर रहा, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 47 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू अबाउट पेरिनियल रिवर, पेरिनियल रिवर के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है, दे कवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ये ट्रू है, मोस्ट ऑफ देम ओरिजिनेट हिमालय, ये भी ट्रू है, दे हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास, ये भी ट्रू है, दे हैव अ वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में कोई बात ही नहीं हुई, फॉल्स आएगा ऑप्शन नंबर ए, 48 का आंसर नॉट ट्रू जो है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49, स्लैकेंड स्पीड सजेस्ट, स्लैकेंड का मतलब होता है किसी चीज का कम होना, तो ट्रेमेंडस का मतलब तेज, मैक्सिमम का मतलब तेज, एवरेज का मतलब सामान्य, लेकिन कम का मतलब होता है रिड्यूस्ड, तो 49 का आंसर कम होना सी। याद रखिएगा स्लैकेंड शब्द का मतलब होता है किसी चीज का LESSEN, किसी चीज का कम होना, किसी चीज की इंटेंसिटी का कम होना, ABATE, इसके सिनोनिम के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का, विच ऑफ दीज इज नॉट अ हिमालयन रिवर, इनमें से कौन सी नदी हिमालय की नदी नहीं है, गंगा हिमालय की नदी है, इंडस हिमालय की नदी है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदी है, गोदावरी आपके पास प्रायद्वीपीय नदी है, पेनिनसुलर नदी है, ऑप्शन नंबर सी। तो कई बच्चे तो इसको जीके की नॉलेज पे भी इसको कर सकते हैं, और इसी तरह के एनसीईआरटी बेस्ड या फिर आपकी 9th, 10th, 11th, 12th की जो इंग्लिश की बुक है उनमें से कई स्टोरीज को उठाया गया, या फिर न्यूज़पेपर में से द हिंदू लेवल की कोई चीज को उठाया गया, इन्हीं तमाम चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, शुक्रिया।